है गाइस, वेलकम टू बैक माय व्लॉग। और अभी हम लोग धनबाद जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन अचानक से बारिश आ गया जिस वजह से कैंसिल करना पड़ा। तो इसीलिए मैं सोचा चलो आज घर पे ही ब्लॉग कर लेते हैं। और मौसम बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो चुका है, सुहाना हो चुका है एकदम। कल भी कंटिन्यू इसी तरीक़े से इसी वक्त में बारिश वगैरह भी हुआ था, काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान भी उठा था और बहुत सारा नुकसान भी हुआ था। कितने का घर भी गिरे पड़े हैं और आगे में पेड़ वगैरह भी पीपल का था वो भी गिरा पड़ा हुआ था। और बाकी आज भी एकदम मौसम बहुत ही मस्त एकदम किया हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही, हल्का फुल्का बारिश हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ कल के मुकाबले में। लेकिन शायद बादल तो अभी आवाज़ लगा रहा, अपना गरज रहा, शायद बारिश और हो। अभी आसमान पूरा काला है, एक साइड साफ है थोड़ा, देखते आगे क्या होता है। बाकी मैं अभी छत पे अपने घर पे ही हूँ, कहीं जा नहीं सका इसी बारिश की वजह को लेकर के। तो कल भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लग गया था और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक कंटिन्यू मौसम ख़राब रहा, जिस वजह से मैं सोचा कहीं आज भी इस तरह का हालात रहा तो ऐसा ना फंस जाऊँ। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आसमान का व्यू, ये आप देख सकते हैं पूरा एकदम ब्लैक दिखाई दे रहा होगा आपको। हवा बहुत ज़बरदस्त चल रहा, बिजली भी चमक रहा है। ये साइड थोड़ा बादल साफ है। बाकी मैं आपको चारों तरफ का लोकेशन दिखा दिया हूँ। आप देख सकते हैं, देखिए बिजली अभी चमका था जस्ट, मैं मोबाइल जैसे हटा रहा हूँ बिजली भी चमकना बंद हो जा रहा है, फिर मोबाइल में इधर कर रहा हूँ तो बिजली चमक रहा है। तो आज तो धनबाद नहीं जा सका, किस लिए जाना था जब गया ही नहीं, तो वह बताने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। जब जाऊँगा इंशाल्लाह कल तो फिर मैं उस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगा। चलिए फिर मिलता हूँ बाकी तो नए जगह पर नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।